नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। पिछले कई दिनों से यहां आम रोड उपोषण चालू था, वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के पीछे की तरफ यहां ग्राउंड में, जो उसका मुद्दा था, मुख्य मुद्दा सूर्य द्रोण का पानी जो उद्घाटन की बार राह देख रहा था। अब जाकर कहीं ना कहीं इसका मार्ग खुल गया। हम आपसे चर्चा करते उसके पहले हमारे साथ अग्रसेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल है, उनसे बात करते हैं। अग्रसेना नमस्कार। नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सही मायने में दिवाली की शुभकामनाएं तीन मेरी जो रनर आगे ने इनको देनी चाहिए कि इनके वजह से आज प्रशासन को झुकना पड़ा। 6 दिन बिना पानी बिना खाना लेके आज ये उपोषण के लिए बैठी है। तहे दिल से मैं उनका आज आभारी हूँ कि गौर गरीबों के लिए, कामगारों के लिए, कष्टकरी के, विरार के जो लोग हैं, इनके लिए पानी की जो समस्या है इसका हल करने के लिए आज इन्होंने 6 दिन का आमरण उपोषण इधर किया। आज जब अधिकारी लोग आए और क्या चर्चा हुई, कब पानी मिलने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री और हमारे खासदार गावित साहब से चर्चा हुई, रात को भी चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा कि आंदोलन करने के पहले, अपना ओपनिंग करने के पहले पानी विरारवासी के लिए छोड़ा जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए कि जो 2 दिन वो वॉशआउट करने के लिए लगता है, साफ़ सफाई करने के लिए लगता है, 2-3 जाएगा, उसकी ऑर्डर ऑलरेडी उन्होंने दे दी है और वॉशआउट का काम चालू है। विरारवासी को जल्दी पानी मिलेगा और उसका जो ओपनिंग है, जो पॉलिटिकल ओपनिंग करना है, वो 15 दिन महीने के बाद करेंगे, ऐसा डिस्कशन में आया है। पिछले दिनों में कई संगठनों द्वारा अलग अलग तरह के मोर्चे किए गए और अभी ये 6 दिन से आमरण उपोषण चालू था, अब एक बड़ा निर्णय आया, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा निर्णय कहाँ, तो भी शासन को महिला शक्ति के सामने झुकना पड़ा। ये महिला शक्ति का विजय है। ये मेरे तीन जो महिला है, मैं बोल रहा हूँ कि आदिशक्ति हमारी जीवदानी देवी, बारोंडा देवी और हरबासरी देवी का विजय है, ऐसा मुझे लगता है। उपोषणकर्ता महिलाओं से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 6 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, अभी उन्होंने उपोषण तोड़ा है, लेकिन क्या उनकी फीलिंग है ये जान के लेते हैं। ताई कैसे? एकदम ठीक, मजे, एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज जब ऑर्डर हो गया और 2 दिन में आने वाले, 2-3 दिनों में पानी मिलने वाला है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने कैलाश पाटिल काका से, काका के माध्यम से, मनीषा काके के माध्यम से जो पाउल बोलते आगे किया था, वो उसमें हम लोग सक्सेस हो गए और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने जनता को, जनता की कुछ तो हेल्प की। ताई आपकी तबीयत 2-3 दिनों में ही बिगड़ रही थी, फिर भी आज 6ठा दिन है, अब आपको तबीयत में कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सबके लिए, पानी के लिए, जिस लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे थे, वो लड़ाई की जीत हुई है और वसई विरार वालों को पानी मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी, तो अभी हमको फ्रेश लग रहा है। ताई आपकी फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, काका है हमारे पीछे और हम अभी 4 दिन में पानी आने वाला है, 4-5 दिन में पानी अभी छोड़ेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे आगरी सेना के पदाधिकारी और महिला उपोषणकर्ता खासकर, जिन्होंने उपोषण पिछले 6 दिनों से यहाँ किया, पिछले कई लंबे समय से कई संगठनों द्वारा अलग अलग मोर्चे किए गए, आंदोलन किए गए और विषय वही था कि सूर्योदरण का काम पूर्ण हो चुका है लेकिन उद्घाटन नहीं हो रहा था, तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है कि उद्घाटन, चाहे रस्मी उद्घाटन जब कभी भी हो, लेकिन जो आवश्यकता है, पानी की ज़रूरत है, वो पानी की ज़रूरत को आने वाले 2-3 दिनों में पूर्ति कर दिया जाएगा और इस तरह से वसई विरार कर को आने वाले 2-3 दिनों के बाद पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए यही रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।